आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन कॉलेजेस में पढ़ने का सबका सपना होता है। मेरा भी था, मैं तो पढ़ा नहीं। आपका भी सपना हो सकता है, आप पढ़ाई कर रहे हैं प्लस टू अभी, पर जब ऐसे न्यूज़ देखते हैं आप तो आपका सपना जो है कभी कभी डाउटफुल हो जाता है कि मैं क्या सच में सही कॉलेज में जा रहा हूँ। जब ऐसे न्यूज़ देखते हैं आप, 36% टॉप नोच कॉलेजेस अगर बात करेंगे आईआईटीज़ में, आईआईटी में बहुत सारे आईआईटीज़ हैं, कुछ आईआईटीज़ को कुछ बंदे छोड़ देते हैं और एनआईटी में चले जाते हैं जो पुराने एनआईटी है। क्यों, ये बताऊंगा आपको मैं, ये जो सिनारियो है क्यों है ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले देखो, आईआईटी बॉम्बे प्लेसमेंट के मामले में वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट है। कौन कौन से आईआईटीज टॉप हैं अभी रिसेंट सिनारियो में? आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास एंड आईआईटी बॉम्बे, दीज आर टॉप इंस्टीट्यूट्स। ये सारे जो हैं टॉप कॉलेजेस हैं, टॉप ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं। और ये जो इंस्टीट्यूट हैं इनके जो स्ट्रक्चर है काफ़ी अच्छा है। आपने अक्सर सुनते होंगे आईआईटीज में करोड़ों का पैकेज जाता है, बट टॉप नॉच इंस्टीट्यूट होने के बावजूद 36% ऑफ आईआईटी बॉम्बे ग्रेजुएट्स फेल टू गेट प्लेसमेंट। और एक रिपोर्ट है, और सिर्फ इंडिया टुडे ने कवर नहीं किया इसको, बतरे जितने भी न्यूज़ आर्टिकल आप देखेंगे अभी, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, डिजिटल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, सब जगह अगर ये जो है रिपोर्ट छपेगा। और ख़ास बात क्या, जब मैं इस रिपोर्ट के अंदर गया था, मैं एक्चुअली पढ़ा लास्ट कल ही पढ़ा था इसके बारे में, तो मैंने देखा, अगर खुल जाए आपको दिखा भी दूंगा, आईआईटी बॉम्बे का जो बच्चा है आपका, उसमें मान लो 2000 बच्चे हैं, 700 प्लस बच्चों को अभी तक जॉब नहीं लगा है। प्लेसमेंट मतलब क्या, जॉब लगना। और फोर्थ ईयर में आ गए हैं, और खाली आईआईटी बॉम्बे की बात नहीं है, अक्रॉस आईआईटीज में 30% बच्चों का जॉब नहीं लगा है इस साल। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? क्या आईआईटी के मैनेजमेंट जिम्मेदार है? क्या गवर्नमेंट जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है भाई, ये बताओ। ठीक है, इसके बारे में अपन बात करेंगे, क्या हो गया इसको, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, अगर ये खुल जाएगा तो मैं कुछ करूँगा। ठीक है, तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है जी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, मैं अगर ये ठीक होता है ठीक, नहीं तो मैं आपको दिखा दूंगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि भाई ये ऐसा हो क्यों रहा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू नो, राइट। सो ऐसा इसलिए हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ क्या रीज़न है, मेनली क्या रीज़न है उसकी हम बात करेंगे। मेनली व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू कंसीडर, बिकॉज आप बीटेक करने जाएंगे आप, तो आपको हो सकता है आपके दिमाग में चले कि कहीं सर मैं कोई गड़बड़ डिसीजन तो ले नहीं रहा हूँ, क्या सही में बीटेक में कोई गड़बड़ तो नहीं होगा, मतलब ऐसा तो नहीं मैं जब पास आउट करूँगा और मेरा जॉब ना लगे। तो मैं आपको कुछ डेटा देना चाहता हूँ, बिकॉज आईआईटीज, एनआईटीज, टीयर थ्री कॉलेज, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, इन्हीं के बारे में मैं बहुत टाइम से, बहुत साल से रिसर्च करता रहता हूँ, मतलब डेटा मेरे पास है। ठीक है, तो बात करते हैं पहले इन जनरल, अगर बात करेंगे आईआईटीज में कितने परसेंट प्लेसमेंट होता है उसकी बात करते हैं। इन जनरल कितना परसेंट प्लेसमेंट होता है, ब्रांच पर डिपेंड करता है कौन सा आपका ब्रांच है। तो एवरेज में देखोगे, ओवरऑल इंस्टीट्यूट मैंने देखा है आईआईटीज का जितने भी हैं, ओवरऑल सारे ब्रांचेस को मिला लेंगे तो लगभग 85-90% बच्चों का जॉब लगता है थ्रू कैंपस प्लेसमेंट, 85-90%। कुछ ब्रांचेस का होता है कभी कभी 100%, वो भी कौन कौन सा ब्रांचेस आपको बता देता हूँ, ईसीई का होता है इन जनरल, एंड सीएससी का होता है। कुछ जगह पर मैंने देखा है मैकेनिकल का भी 100% है, इलेक्ट्रिकल का, बट कंपेरेटिवली ये कम है और इनका संख्या जो है ज़्यादा है। खाली आईआईटी की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी टॉप नॉच इंस्टीट्यूट हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो कोई भी कॉलेज, ध्यान सुनना, कोई भी कॉलेज आपको बोले हम 100% प्लेसमेंट देते हैं, भाई उस कॉलेज में एडमिशन ही मत लो, बिकॉज वो सरासर झूठ बोल रहा है। क्योंकि जब टॉप नॉच इंस्टीट्यूट ही 100% प्लेसमेंट दे नहीं पाते हैं हर ब्रांचेस का, तो कौन देगा? क्या ऐसा कोई कॉलेज है जिसमें 100% प्लेसमेंट मिलता है? भाई है, ट्रिपल आईटीज में एक दो कॉलेजेस में 100% प्लेसमेंट मिलते हैं, बट उनमें सारे ब्रांचेस नहीं होते हैं, सिर्फ सीएससी एंड ईसीई होता है। तो सीएससी ईसीई हमें 100% प्लेसमेंट देने वाले कॉलेजेस जो हैं, इंस्टीट्यूट जो हैं, यूनिवर्सिटी जो हैं, बहुत हैं।
मतलब बहुत, मतलब कोई हज़ार नहीं है, 10-20 होंगे, इतना इंडिया में इतने ही हैं। तो एवरेज में अच्छा प्लेसमेंट मिलता है, 90% प्लेसमेंट मतलब बहुत अच्छा माना जाता है। वही अब डाउन कितना हो गया है, टॉप जो बोल रहा है कि 70 तक पहुंच गया है। अब 70% ओवरऑल मतलब क्या है, जो जिन ब्रांचेस का डिमांड बहुत हाई रहता नहीं, लाइक बायोटेक्नोलॉजी हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, इनका जॉब मिलना मुश्किल होता है, टेक्सटाइल हो गया आपका, इनके जो परसेंटेज और ड्रास्टिकली डाउन हो गया होगा। ये आईआईटी में तो ऐसा हो रहा है, मैं नॉर्मल कॉलेज की बात कर रहा हूँ, जो एनआईआर रैंकिंग है ना उसमें 30-40 में आते हैं कॉलेजेस, बता रहा हूँ। मान लो सिविल में 100 बच्चे हैं, कितने बच्चों का जॉब लगा है, 10 बच्चों का जॉब लगा है। बताओ जी, मैकेनिकल मान लो 100 बच्चे, कितने बच्चों का जॉब लगा ऐसे कॉलेज, 20 बच्चों का। आईआईटीज में लेकिन इससे बहुत बेटर है, आईआईटीज में देखोगे आप तो 70% बोल रहे हैं, तो मतलब जो निचला क्रम आप लोग मानते हैं, सारे मानते हैं, मतलब जिनको कोई पसंद नहीं करता जिन ब्रांचेस को, जबरदस्ती लेता है, तो उसमें कम से कम 50-60% 40% प्लेसमेंट तो हो गया होगा। दो बातें यहाँ पर है सर, ठीक है मान लिया जी, अब बताओ जी हमें एक बार बताओ, जो बच्चों का जॉब लगा नहीं वो क्या करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू नो। दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या सर मैं बीटेक कर करना चाहिए मुझे, मेरे तो आईआईटी मिल रही है, मेरे को टीयर 3 कॉलेज मिल रहा है। भाई बीटेक नहीं करोगे तो क्या करोगे, क्या कोई इससे बेटर ऑप्शन आपके पास है, अगर है तो करो, लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली इससे बढ़िया कोर्स इंडिया में और है नहीं। सबसे बढ़िया कोर्स, मैं पिछले 8 साल से इस तरह का वीडियो बना रहा हूँ, मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, इससे बढ़िया कोर्स मार्केट में कोई है नहीं, करियर ग्रोथ के हिसाब से अगर एवरेज में निकालोगे तो बीटेक तो करना चाहिए, बट चूज़ योर ब्रांच वाइजली एंड प्लान योर करियर, वो प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप मेरा करियर काउंसलिंग सेशन ले सकते हो, 999 रुपीज़ का भी चल रहा है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और उसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं फ्री देता हूँ, जिनमें से एक कोर्स मेरा फ्लैगशिप कोर्स है, उसमें 1000 से ज़्यादा बच्चे आ चुके हैं ऑलरेडी, वो है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। हालांकि बहुत सारे कोर्सेज में 1000 से ज़्यादा बच्चे हैं वो, और एक साल के अंदर इतने बच्चे मेरे पास आए हैं, ठीक है, मतलब हर महीने लगभग 100 बच्चे मेरे पास आए हैं इस कोर्स में, उसका प्राइस ही 500 है, जो इस करियर काउंसलिंग के साथ एक कोर्स फ्री मिलता है, और इसी के कोर्स जैसा, मतलब ऐसा ही कोर्स जैसा और भी कोर्सेज आपको फ्री मिलते हैं इसके साथ, तो उसको ज़रूर लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्रॉपर अपना, आपका, आपके कंडीशन अकॉर्डिंग फ्यूचर प्लान बनाने के लिए, इसको लेना बहुत ज़रूरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, एनरोल करिए, मिलेंगे लाइव आप और हम। यहाँ पर बात करते हैं, तो ये बच्चे करेंगे क्या, ये बच्चे करेंगे क्या, और आप बोलेंगे सर इस साल जो इस तरह का प्रॉब्लम हुआ रीज़न क्या है, उसके बारे में बात करिए। तो रीज़न क्या है बता देता हूँ भाई, क्या आईआईटी के मैनेजमेंट जिम्मेदार है, नहीं। क्या सरकार जिम्मेदार है, डायरेक्टली बोलोगे तो नहीं, इतना जिम्मेदार नहीं है, बिकॉज सरकार जो है वो पॉलिसीज बनाती है। मार्केट स्लो डाउन पूरा वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा है, इंडिया से कंपैरिजन करेंगे आप तो, अगर मान लो आप गवर्नमेंट को पसंद करते हो तो आप मेरे बातों से अग्री कर लोगे, गवर्नमेंट को पसंद नहीं करते बोलते यार ये तो गवर्नमेंट के साथ हो लिया। मैं समझाता हूँ आपको, मैं गवर्नमेंट के ना साथ हूँ ना अगेंस्ट हूँ, जो सच है वो आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। आप देखेंगे GDP परसेंटेज जो ग्रोथ है, GDP जो परसेंटेज ग्रोथ है, ठीक है, अभी कंपैरिजन करेंगे जो टॉप आपके मार्केट रखते हैं वर्ल्ड में, लाइक अमेरिकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, उनसे बेटर है। तो ये जो, खाली ये नहीं बता रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा हूँ, जो IIT वाले बंदे हैं जो टॉप नॉच मेरे से काफ़ी बेटर नॉलेज रखते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों में, कुछ चीज़ें शायद मैं रखता हूँगा, मुझे पता नहीं इसके बारे में, तो वो भी बताते हैं वही बात कि ग्लोबल स्लो डाउन हुआ है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन हो गया है, जिसके वजह से क्या हो गया, ये जितने कंपनीज हैं इंडिया में IIT हायर करते हैं, बाहर से भी आते हैं हायर करने के लिए। आप मेरे वीडियोस को देखे होंगे, दिसंबर में बनाया था हायरिंग, बताया था भाई इस बार IIT में प्लेसमेंट अच्छा हो नहीं रहा है, और बहुत सारे बोला नहीं यार ऐसा तो ना होता है, भाई हो नहीं रहा है बता रहा हूँ ना, ठीक है, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं। सो GDP परसेंटेज जो है बहुत सारी जगह पर स्लो डाउन हो गया है, ग्रोथ अच्छा नहीं है। जब ग्रोथ अच्छा नहीं होता है कंपनीज पैसे लगाने से बचते हैं, इन्वेस्टमेंट करने से बचते हैं। तो ये जो आप 70% देख रहे हो, मेरे हिसाब से और प्रॉब्लम आएगा, क्यों बता रहा हूँ, ये जो ग्लोबल स्लो डाउन हुआ है
आपको ऑफर तो मिल गया, ज्वाइनिंग डेट आने में प्रॉब्लम आएगा बहुत सारे बच्चों को। ये डरा नहीं रहा हूँ भाई, सच बता रहा हूँ, ये होता है और लास्ट ईयर ही हुआ है काफ़ी बच्चों के साथ, इस बार भी होगा काफ़ी बच्चों के साथ। लेकिन क्या ये आपके ज़िंदगी को ख़राब कर सकता है? ख़राब तो नहीं करेगा, टेम्पररीली थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बट अल्टीमेटली जिसके अंदर दम है, जो लाइफ में कुछ करना चाहता है, उसको जॉब भी अच्छा मिल जाएगा, वो बिजनेस भी अच्छा कर सकता है, वो आगे भी पढ़ सकता है। तो ये सब देख के आप सिर्फ ये चीज़ सोचो कि मैं अपने फ्यूचर का प्लान स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा ताकि मुझे इस तरह का प्रॉब्लम इतना फेस ना करना पड़े। अगर बस एक काम आपने कर लिया, आप किसी भी कॉलेज से पढ़ रहे हैं, उस कॉलेज के बाकी बच्चों से आप बेटर जगह पर चले जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे आएंगे, सर स्किल मैटर करता है, करता है। अगर मान लो एग्जाम्पल, तो आप ऐसे कॉलेज में पढ़ते हैं जहाँ पर एक भी कंपनी नहीं आती है, मैकेनिकल का जबरदस्त स्किल आपके पास है, आप अप्लाई करिए बड़े बड़े कंपनीज में, कोई रिप्लाई नहीं देगा भाई। आईटी में शायद आपको कहीं मिल जाए, बट उसका चांस है 2-4%। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल में ना के बराबर चांस है। तो मतलब क्या है भाई, स्किल तो चाहिए, परसेंटेज भी चाहिए, और क्या चाहिए भाई साहब? आपके जो कॉलेज पढ़ रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज एक टैग मिलता है। जो बता था आपको 70% बच्चे जो आपके हैं उनका जॉब लग गया मान लेते हैं, 30% बच्चे क्या करेंगे, सबसे अच्छा करेंगे हायर एजुकेशन का प्रिपरेशन करेंगे, ये आप IIM का तैयारी करेंगे मैक्सिमम। बहुत सारे बच्चे आउटसाइड इंडिया चले जाएंगे, जॉब लग ही जाएगा बिकॉज स्किल तो उनके पास है, उन कंट्रीज में नहीं जाएंगे जिनमें अच्छा ग्रोथ नहीं चल रहा है, उन कंट्रीज में जाएंगे जहां पर अच्छा ग्रोथ चल रहा है। तो हिसाब से काम आपका होगा, समझ रहे हो भाई? बिजली चली गई है, अब थोड़ा सा अच्छा अच्छा आवाज आ रहा होगा, मुझे पता है शायद आ रहा होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस वीडियो को यहीं पर हम ख़त्म करेंगे। मेरे को जो शेयर करना था मैं शेयर कर चुका हूँ, और होपफुली आपको नॉलेज मिल चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।